वेलकम गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल जूनियर क्रिएटेड। तो आज हम लोग यहाँ पर एक और नए गेम की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फार्मिंग सिमुलेटर 25। हम लोग इस गेम में भाई एक फार्मर की लाइफ सर्वाइव करने वाले हैं, जहाँ पर एक फार्मर क्या क्या करता है वो सब हम लोग इस गेम में देखने वाले हैं। तो भाई देरी नहीं करते हैं, फटाफट इस गेम को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। वेलकम बैक गाइस, फार्मिंग सिमुलेटर 25। और अभी हम लोग को शायद से यहाँ पर कुछ एनिमेशन दिखा रहे फार्मिंग क्या होता है। लेट्स गो भाई, क्योंकि हम लोग को इस गेम में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ओके ओ तेरे तो भाई क्या ही ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है यार, मजा आ गया। अभी भैंस की आवाज इधर से आ रही है। अभी बैफेलो एक मिनट, भैंस कहाँ पर लेकर जा रही है भाई ये लोग को। ओ तेरे तो यहाँ पर फार्मिंग हो रहा है। एक मिनट को मेरे हिसाब से ना ये भाई धान है कि गेहूं है ये मेरे को भी नहीं पता, बट शायद से वीट है। हाँ आई गेस वीट है ये, मेरे को भी नहीं याद यार। ओके तो भाई आप ओ सेल्फी टाइम। Wise man once said that the best lessons are learned under the wide open sky. सर मेरे हिसाब से पता है ये लोग यहाँ पर आए भाई विलेज में फार्मिंग करने के लिए, मतलब सीखने के लिए। ओह ये देखो भाई, ये मतलब खेत को कल्टीवेट कर रहे हैं, मतलब जोत रहे हैं। ओह भाई टेक्नोलॉजी मतलब खतरनाक है। खेत में पानी भरा जा रहा है। So beautiful it can help you see yourself and the world. भाई विलेज में तो बहुत ही, भाई गांव में बहुत ज्यादा मजा आता है मेरे को, मैं बता रहा हूं। अभी मैं हाल ही में गांव गया था और आया हूँ। तो भाई क्या ही मतलब मशीन से भी भाई बहुत ही खतरनाक है इस गेम में। ओके फार्मिंग सिमुलेटर 25 भाई बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस गेम में, देखते जाओ। अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ है राइस, ये भाई खेत की राइस है। Hey, this is pretty good. वो भाई yeah, it's pretty darn good. खेत मतलब मेहनत करने के बाद जो चीज हम लोग जिस चीज में मेहनत करते हैं और उसका भाई फसल होने के बाद काटो फिर राइस खाने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है। अबे मुर्गा भी। ओह फार्मिंग सिमुलेटर 25, दिस फार्म इज योर फार्म। ओके maybe some fresh spinach okay, for a change. तो लेट्स गो भाई फटाफट गेम को स्टार्ट करते हैं। ओके तो यहां पर हम लोग भाई बहुत सारे मैप्स दिख जाएंगे। ओके ये देखो भाई बहुत सारे मैप्स हैं, बट मैं ये वाला ठीक रखता हूं। ओके यहां पर प्रीसेट्स है, न्यू फार्मर, ठीक है इसको छोड़ो। स्टार्ट मनी, अच्छा मैं मतलब मैं कितने मनी से स्टार्ट कर सकता हूं। एक मिनट भाई ये ठीक है, 10 लाख यूरो ठीक है लोन नहीं चाहिए, ठीक है इजी यहां पर ठीक है। ओके स्टार्ट फार्मिंग गाइड। ओके तो फटाफट गेम को मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। भाई म्यूजिक मस्त है, आई लाइक दिस। ओके तो हमारा गेम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर कैरेक्टर डिसाइड करना है। यहाँ पर भाई बहुत सारे कैरेक्टर्स है बट कुछ अच्छे नहीं दिख रहे भाई, लेडीज तो बिल्कुल भी नहीं। भाई ये वाला कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, इसको रख लेता हूँ मैं, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं यहाँ पर हेयर्स में, मैं यहाँ पर हेयर भी डिसाइड कर सकता हूँ। ये मुर्गा छाप नहीं चाहिए, तेरे नाम भी अच्छा नहीं लग रहा भाई, कुछ अच्छा दिखाओ यार। ओ ये भाई अच्छा लग रहा है, इस बंदे के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। वियर्ड में देखते यार भाई, दाढ़ी इसके ऊपर सूट कर रही है बट मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ अच्छा दिखाओ यार। ओ त्रि भाई ये वाला भी अच्छा लग रहा है, बट रुको ओ त्रि ये वाला भी यार अच्छा लग रहा है, लेकिन इससे पहले जो देखा था मैंने ये वाला, वो दोनों में भाई बहुत अच्छा लग रहा है, बट ये वाला ठीक है जो मूछ निकली रहती है, ठीक है। आउटफिट्स में आते हैं, ये थोड़ा फार्मर लग रहा है बट ये पुराना हो चुका है, ओल्ड फैशन है, मेरे को थोड़ा न्यू फैशन दिखाओ भाई। अरे वाह क्या बात है, ये थोड़ा लग रहा है स्टाइलिश, ठीक है इसको मैंने यहाँ पर रख लिया। अब आते शूज़ में, ये एक ब्राउन है और एक यहाँ पर लॉन्ग वाला, ये वाला ठीक लग रहा है, अलग ही दिखेंगे तो अच्छा है भाई। ओके अब अपने पास कैप्स भी है, ये हुई ना बात, ये वाला ठीक है। अब यहाँ पर ग्लव्स में आ जाते हैं, ब्राउन चाहिए ना, एक ये वाला नहीं 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 यार, ये वाला ठीक है। ओके ग्लास में भी आ जाते हैं। ओ तेरे तो भाई बंदा फुल दबंग फार्मर लग रहा है भाई, दबंग स्टाइल है, फुल मज़ा आएगा इस गेम को खेलने में इस बंदे के साथ।
चलो अब फटाफट अपने गेम को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, वेलकम टू योर न्यू फार्म। इट्स मिड मॉर्निंग व्हेन यू अराइव एट योर न्यू फार्म। वेल्टर योर ग्रैंडफादर, अच्छा वेल्टर भाई मेरे दादाजी हैं, इज नो लॉन्गर एबल टू लुक आफ्टर द फार्म, सो यू नाउ नाउ टेकिंग ओवर। अच्छा तो ये जो फार्म है ना, ये मेरे दादाजी का है। ओके ओके, तो गाइड अभी यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, अभी हम लोग को ट्यूटोरियल मिलेगा। अच्छा ओके, तो मैं अब भाई क्लिक करके ना सब देख सकता हूँ। यहाँ पर डेट है, टाइमिंग है, बैलेंस है और मिनी मैप है। ओके, क्लिक एनीवेयर टू कंटिन्यू। ओके अच्छा, तो बेसिक अभी हम लोग भाई कंट्रोल बता रहे हैं, कंट्रोल प्लेयर मूवमेंट, कंट्रोल प्लेयर व्यू डायरेक्ट डायरेक्शन। ठीक है चलो, ये तो भाई अपने को बेसिकली बहुत ही पुराना पता है अपने को। ठीक है, तो अभी ना मेरे को भाई जाकर दादाजी से मिलना है, लेकिन एक बार भाई तुम लोग ना इस फार्मिंग का भाई पूरा डिज़ाइन देखो यार, क्या ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है भाई फुल रियल है, मतलब रियल तो नहीं दिख रहा है बट बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। इस गेम को ना खेलने में बहुत मज़ा आने वाला है, तो चल के भाई दादाजी से मिलते हैं। हेलो, नमस्ते दादाजी। ओके अच्छा, मेरे को बात करने के लिए भाई आर दबाना होगा। वेलकम टू आवर लवली फार्म किडो। अच्छा मेरा नाम शायद किडो है। ओके तो ये हमारा फैमिली बिजनेस है। ओके लेट्स गो। तो हमारी भाई दादाजी से बात हो चुकी है। बेसिकली जो फार्म है ना भाई, ये दादाजी का है और ये पता है इसे बेचने जा रहे थे बट उन्होंने बेचा नहीं, क्योंकि वो चाहते कि मैं इस भाई फैमिली बिजनेस को एकदम टॉप लेवल तक लेकर जाऊँ। तो अभी भाई अभी मेरे को जाना है, यहाँ पे एक ट्रैक्टर है और मेरे को अभी जाकर भाई फटाफट फार्मिंग स्टार्ट करनी है। तो चलते हैं यहाँ पर। देखो भाई, तो 1 और 2 से मैं यहाँ पर भाई कर सकता हूँ, 9 से मैं यहाँ पर मैप को ओपन कर सकता हूँ और सी से मैं यहाँ पर कैमरा एंगल। ओ तेरी तो भाई ये मस्त लग रहा है मेरे को ना, इस वाले भाई कैरेक्टर के साथ बहुत खेलने मज़ा आता है। ओके क्योंकि अपना जो भाई कैरेक्टर वो दबंग स्टाइल लग रहा है ना, इसलिए मज़ा आएगा। एफ से मैं यहाँ पर भाई फ्लैश लाइट चालू कर सकता हूँ। ओके तो अभी ना मेरे को जाकर भाई दादाजी से मिलना है। You ready to roll? Okay, yes. बहुत मजा आने वाला है अपने को इस गेम में। Okay. It's just to the back. Okay. तो यहाँ पर भाई एक ट्रैक्टर है और मुझे ना इसे लेकर जाकर भाई खेत में कल्टीवेट करना है। Okay. तो चलो भाई इस ट्रैक्टर में बैठते हैं। Just like that. Okay. Exactly. Now we do the work. Meet me at the field over there. Okay, okay, okay. तो अभी ना मेरे को भाई इस ट्रैक्टर को भाई खेत में लेकर जाना है। क्या बात है भाई, इस मशीन को देखो एक बार भाई, इसे चलाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो लेट्स गो, फटाफट चलते हैं। ओके आराम से, क्योंकि मेरे को इस भाई ट्रैक्टर को डैमेज नहीं करना है। ओके ओके, यहाँ से आराम से टर्न लेता है और सामने जो खेत दिख रहा है मेरे को वहाँ पर ही जाना है। ओके भाई फर्स्ट पर्सन में तो और ही भाई मज़ा आ रहा है। देखो ऐसा लग रहा है कि मैं रियल चला रहा हूँ। क्या बात है यार भाई, रियल मज़ा आ रहा है जो चलाने में यार, बिल्कुल ही भाई खतरनाक दिख रहा है। ओके इसको ना मुझे यहाँ पर खड़ा करना है। ओके बस। Here we are. So before we can sow anything on the field, we need to take care of the stubbles, cultivate, prepare it for the next season. ओके तो भाई फसल इस खेत में कट चुकी है। Very well. Lower the cultivator and drive straight ahead. It's easy as spilling milk. ओके ओके तो बेसिकली भाई जो इस खेत में जो फसल थी ना वो कट चुकी है। अभी ना मेरे को यहाँ पर भाई स्विच टूल करने के लिए जी और लोअर टूल के लिए वी प्रेस करना है। तो मेरे को ना इस मशीन को नीचे करना है। ओके तो अब अपनी भाई मशीन यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं भाई ट्रैक्टर को। ओके अब भाई मज़ा आने वाला है। वो ये देखो भाई, ऐसा लग रहा है पता है रियल में भाई मैं खेत की जुताई कर रहा हूँ। भाई चलाने में तो बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को ना। इस खेत में भाई जो फसल थे वो कट चुका है, तो अभी ना मेरे को ना इस खेत को जोतना है ताकि मैं अगले सीजन में कोई दूसरा फसल उगा सकूँ। तो चलो भाई मज़ा आएगा इस मुझे काम करने में, फार्मिंग लाइफ में तो भाई बहुत मज़ा आता है। ठीक है ठीक है, चलो यहाँ पर मैंने एक लाइन तो कंप्लीट कर दिया, अब मैं ऐसे भाई कंटिन्यू करने वाला हूँ। ओके मेरे को थोड़ा बहुत तो भाई इस गेम के बारे में पता है, इसलिए मैं आराम से इसे कर सकता हूँ। देखो भाई ऐसा लग रहा है कि रियल में खुदाई चल रही है भाई, खेत की जुताई चल रही है। ओके भाई सच में यार बहुत ही मज़ा आ रहा है और इस गेम की तो भाई ग्राफिक भाई खतरनाक है, मतलब क्वालिटी भाई बहुत अच्छी है। ठीक है तभी मेरे को वापस से यहाँ पर एक और बार भाई टर्न लेना पड़ेगा आराम से। और हाँ मुझे ना भाई यहाँ पर काम करना थोड़ा आराम से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरा गाड़ी मतलब ट्रैक्टर का भाई बैलेंस अगर यहाँ पर वहाँ पर हुआ तो फिर थोड़ा बहुत छूट जाता है, इसलिए मेरे को ना एकदम स्ट्रेट जाना है भाई सीधा और एकदम अच्छे से काम करना है मेरे को।
और यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर मैंने कितना काम कंप्लीट किया ना, वो सब भी दिखा रहा है। मैंने अब भाई 43% काम कर लिया है, ठीक है। चलो एक और यहाँ पर लाइन मेरा कंप्लीट हो चुका है, और अभी मेरे को यहाँ से भाई आराम से एक और टन लेना है। ओके देखो भाई, ट्रैक्टर चलाया तो मैं तो भाई एकदम एक्सपर्ट बन चुका हूँ। चलो इसके बाद मेरे को ना यहाँ पर एक और बार भाई टन मारना पड़ेगा, उसके बाद मेरा यहाँ पर काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो इसमें तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है भाई, पूरी ट्रैक्टर देखो कैसा हिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं रियल में भाई खेत में ट्रैक्टर चला रहा हूँ। ओके चलो ये भी कंप्लीट हो चुका है, बस भाई एक और लाइन बाकी है, उसके बाद मेरा काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है ठीक है, इसको मेरे को थोड़ा पीछे मोड़ना पड़ेगा, पहले इसको स्ट्रेट कर लेता हूँ। ओके चल बस थोड़ा सा पीछे और। ओके तो अभी यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं, बस एक और लाइन बाकी है, उसके बाद मेरा काम यहाँ पर फिनिश कंप्लीट हो जाएगा। ये देख रहे हो भाई, मतलब मैं जहाँ पर भाई मेरा ट्रैक्टर चल रहा है ना, वहाँ पर भाई ज़मीन भी धस रही है, देखो उसके भाई टायर के निशान बन जा रहे हैं। भाई कितना रियल बनाया गया इस गेम को। और ये हमारा भाई काम कंप्लीट हो चुका है। Now drive back to the garage and get out the cedar. I'll meet you there. Okay. तो चलो सबसे पहले इसको भाई उठाते हैं और अपनी गाड़ी को भाई पता ट्रैक्टर को लेकर चलते हैं गैराज में, क्योंकि अब मेरे को भाई जाना है दूसरी मशीन के पास। ओके लेट्स गो। भाई फ्रंट पे तो भाई चलाने में तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं रियल में ड्राइव कर रहा हूँ भाई ट्रैक्टर को भाई फुल। ओके तो मेरे को ना भाई सामने जाकर यहाँ पर भाई ट्रैक्टर को खड़ा करना है। ओके ओके आराम से ब्रेक। ओके चेंज टूल्स किडो, गेट रिड ऑफ द कल्टीवेटर एंड अटैच द सीडर। ओके सबसे पहले मेरे को ना इसे भाई डी अटैच करना होगा, ठीक है, क्यू प्रेस करना, और ये भाई अलग हो चुका है मशीन मेरे ट्रैक्टर से। ड्राइव बैक स्लोली। ओके तो अभी ना मेरे को भाई एक दूसरी मशीन को अटैच करना है, जिससे मैं यहाँ पर खेत में सीड बो सकता हूँ, मतलब बीज। ओके तो मेरे को पहले यहाँ पर आराम से टर्न लेना है, और देखो पीछे वहाँ पर मशीन है, आराम से भाई स्लोली। बट एक मिनट को, मैं ना बैक से बहुत अच्छा देख सकता हूँ, इससे मेरे को आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से मेरे को थोड़ा सा आगे लेना पड़ेगा। अब बैक। ओके आराम से भाई मशीन को भाई ठोकना नहीं है मेरे को। वेट वेट यार रुको, ओह थोड़ा सा वो अलग हो चुका है, तो मेरे को उसको प्रॉपर सही करना है। ओके आराम से इस बार हो जाएगा। ओके बस अभी ना मेरे को इसको अटैच करना है। ओके sewing machine you just attached is empty. ये पूरा खाली है। Don't you fret. I just went to the store. Okay. Next to the shed you will find a big bag with seeds. Get over there to fill the seed. Okay, अच्छा यहाँ पर देखो भाई बैग रखा है और मुझे ना इसमें सीड भरना है। ठीक है आराम से ओके अगर मैं आर प्रेस करूँगा तो ये भाई ऑटोमेटिकली सीड फिल होता रहेगा, क्या बात है। ओके नाउ यू आर रेडी टू गो। ओके लास्ट वीक आई कल्टीवेटेड अ फील्ड ओवर देयर। ओके लेट्स गो। कल्टीवेटेड फील्ड्स आर रेडी टू बी सोन, इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ड्राइव द मशीन टू द फील्ड एंड मीट मी देयर, वी विल ब्रिंग आउट कैनोला। ओके तो मेरे को ना भाई जाकर खेत में कैनोला बोना है। अरे ओ तो भाई मैंने डैमेज कर दिया। ठीक है ठीक है ओके तो मेरे को ना भी इसको यहाँ पर आराम से लेकर जा भाई, एकदम अच्छे से इसको लाइन से लगाना होगा, क्योंकि मेरे को सीड यहाँ पर बोना है। One thing you need to pay attention to is timing. Plants need to be sown in specific seasons. It's midsummer. It's the perfect time to sow canola. Okay. In any other period, you might want to switch to a different kind of crop. You can always check the crop calendar. First, we need to prepare the seed. Choose the canola seeds, as the big bag is filled with all kinds of seeds. ओके ये परफेक्ट टाइम है भाई कैनोला बोने का, तो मेरे को ना भी यहाँ पर देखो मेरे पास यहाँ पर वीट है, मेरे को यहाँ पर कैनोला चेंज करना है, तो बैरिल ओट हो गया और कैनोला, ठीक है। While seeding, straight lines are important though. Okay. Go back and forth to bring out the seed with as few gaps as possible. At some point, you'll have to buy a big bag of seeds at the store to refill it.
But now you can use what you've got. Now, you only got to switch the machine on and lower it to the ground. Okay, तो मेरे को भाई बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा. तो पहले मैं इस मशीन को भाई चालू कर लेता हूँ. इसको पहले एकदम प्रॉपर एकदम स्ट्रेट मेरे को जाना है, ठीक है. बीज से मेरे को भाई मशीन को नीचे करना है, और मेरे को ना जो बीज बोना भाई तो इसको स्ट्रेट बोना पड़ेगा, नहीं तो फिर भाई थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल भी नहीं करना है, एकदम सीधा जाना है. ओके यस भाई, पीछे यहाँ पर बीज लग रहा है. ओके मैं आपको बैक से दिखाता हूँ. ये देखो भाई, अगर लाइन नहीं बनेगी तो समझ लो भाई अपना जो बीज है वो अच्छे से नहीं काम कर रहा है, बट अभी एकदम प्रॉपर मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ. ओके तो यहाँ पर देखो भाई 2% हो चुका, मतलब मैं अच्छे मेरा भाई काम जो सही जा रहा है. That's how it's done, kiddo. Oh, by the way, always keep an eye on the weather. According to the weather forecast, it's going to rain soon. Okay. That's Achha. Perfect for canola, but not as good for the wheat on the other field. If you want to hire a helping hand at some point, you can. We're done here. The helper will do the rest. Okay. तो मैं यहाँ पर भाई अभी ना एआई वर्कर को हायर कर सकता हूँ जो वो काम करने वाला है. तो अभी ना मैं भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं चला रहा हूँ, जो भी कच्चा काम कर रहा है वो वर्कर कर रहा है. इससे ना मेरा काम इजी हो जाएगा. ओके तो अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ भाई वर्कर से. ओके अभी ये देख रहे हो भाई, ये ना वर्कर काम कर रहा है, मैं यहाँ पर काम नहीं कर रहा हूँ. और वर्कर पता अपने से भाई बहुत ही अच्छा काम कर लेता है, वो प्रॉपर काम करेगा. तो अभी चलते भाई दूसरी मशीन को. ओके ये भाई हार्वेस्टर है. There's a ripe field that needs taking down. Are you still up for it? The header for the harvester sits on the trailer attached at the back. Let's meet at the field, okay, kiddo? Okay. But drive carefully. That machine is a beast. ओके तो ये भाई मशीन है, बहुत ही बड़ा है, तो मेरे को आराम से इसको ड्राइव करना होगा, ठीक है. ये मशीन पता है क्या करता है, व्हीट को ना कट करके उसका जो मतलब गेहूं उसको निकालता है, ठीक है. मेरे को इस मशीन के बारे में भाई बहुत पता है, लेकिन ये मशीन बहुत ही बड़ा है. और मैं भी देखो यहाँ पर हूँ, मेरे को जाना है इस येल्लो वाले मार्क पर, ठीक है. ओके तो यहाँ से भाई ज़्यादा दूर तो है नहीं, बस थोड़ा सा है. ओके लेट्स गो, चलते हैं. मेरे को ना इस मशीन को भाई बहुत ही आराम से ड्राइव करना होगा, क्योंकि ये भाई मशीन बहुत ही बड़ी है. ओके यहाँ से मेरे को आगे लेना है. अबे एक मिनट, मेरे को जाना कहाँ पर है? ओ अच्छा मैं समझा, मेरे को थोड़ा बस यहाँ से लेफ्ट लेकर, ओके यहाँ से राइट. वो भाई बच गया, मैंने तो पेड़ से ठोकने वाला था. यहाँ से एक रास्ता जा रहा है और मेरे को भाई सामने वाले खेत में जाना है. ओ भाई सामने यहाँ पर एक स्कूल बस जा रही है. चलो ठीक है. ओके एक बार देखो भाई मशीन कितनी बड़ी है. इतनी मशीन में भाई चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब भाई अगर अलग अलग रास्ते से लेकर गए तो वहाँ पर भाई फार्म में बहुत थोड़ा हो जाता है. अभी ना मेरे को उसको यहाँ से लेफ्ट लेना है आराम से. ओके इसको यहाँ पर मेरे को खड़ा करना है. So, let's do this. You'll need to prepare the machine. With the combine harvester, the header cuts the plants. Okay. Those headers have different widths. Depending on the size of the combine, go detach the trailer. Then drive the harvester with its front to the header and attach it. Okay, तो सबसे पहले मेरे को इस मशीन को डीअटैच करना है, क्योंकि ये मशीन को मेरे को ना आगे से अटैच करना है. ओ अबे भाई दादाजी कितने खतरनाक है भाई, मेरा पूरा ट्रैक्टर हिल गया है. ओके आराम से. ओके चलो अभी ना मेरे को इस मशीन को भाई आगे से अटैच करना है, तो वो घुमा कर लेकर जाना पड़ेगा उसके पास. ओके चलो. ओके इसको आराम से भाई अटैच करना है. एक बार आगे से भाई फ्रंट से देख लूँ, थोड़ा सा और चाहिए. ओके बस अटैच. ओके तो ये भाई मशीन अटैच हो चुकी है. बिफोर यू कैन स्टार्ट हार्वेस्टिंग द ग्रेन टैंक नीड्स टू बी अनफोल्डेड. ओके डू दैट एंड ब्रिंग योरसेल्फ इनटू पोजीशन ऑन द फील्ड. मेरे को अनफोल्ड करने के लिए यहाँ पर एक्स दबाना होगा. ओके तो ये ऊपर वाला भाई अनफोल्ड हो चुका है. अबे ओ अबे नहीं नहीं यार, मैंने गलती से आगे ले लिया, मेरे को पीछे लेना था. अब ये भाई पीछे ले रहा तो ये फंस गया. मेरे को ना यहाँ से आगे लेना पड़ेगा बस आराम से. ओ तेरी तो भाई खतरनाक ड्राइविंग है मेरा, बस इसको बोलते हैं. ठीक है अभी इसको आराम से यू टर्न यहाँ से लेते हैं. ओके
तो सबसे पहले मेरे को इस मशीन को नीचे करना है, और इसको स्टार्ट करने के लिए मेरे को यहाँ पर बी प्रेस करना होगा। और ये हमारी भाई मशीन स्टार्ट हो चुकी है। ओ See that the field is nearly done already. I was feeling a little wobbly in the knees earlier, so I left it for you. But all you need to do is to steer the harvester into the field. Unfold the tank, start the harvester, and do the rest. ओके अच्छा भाई, ये मेरे को बता रहे हैं कि पीसी मशीन को स्टार्ट करते हैं। Harvesting takes some time, but soon you will be able to buy a bigger one. Now go at it. ओके तो लेट्स गो। अब भाई अपन अपना काम स्टार्ट करते हैं, और आगे से देख रहे हो भाई कैसा मैं फसल को काट रहा हूँ, और पीछे से देखो यहाँ पर भाई गेहूँ निकल रहा है। भाई बहुत मज़ा आ रहा है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ से भाई भूसा निकल रहा है, और इससे हम लोग मतलब ये चीज़ पता है भैंस लोग मतलब एनिमल्स लोग खाते हैं। ओके तो आराम से इसको लेकर चलते हैं भाई। आगे से तो काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब दिखने में क्या लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है कि मैं सच में काम कर रहा हूँ भाई। असल में फसल कैसी करती है देखो, ये देख लो भाई, मालूम चल जाएगा मशीन कैसे काम करता है सब कुछ। अपने को फुल एक्सपीरियंस होने वाला भाई फार्मिंग के बारे में, थोड़ा बहुत तो मतलब बहुत भाई ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा अपने को। और यहाँ पर भाई 29% काम हो चुका है अपना, और मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा, रुकने वाला नहीं हूँ। ओके यहाँ से घुमा लेते हैं, थोड़ा टेढ़ा बहुत हो जाएगा मतलब उल्टा सीधा हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, उसको मैं बाद में पूरा कंटिन्यू कवर कर लूँगा। ओके बस मेरे को ध्यान देना कि साइड से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत वहाँ पर छूट गया था, मेरे को उसको बाद में कवर करना है। और ये लो अपना जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। Nice one, kiddo. That's okay. It. You have my blood in your veins after all. Harvester has a limited capacity to store the crop. Okay. Now we need to unload the wheat onto a trailer to sell it. Okay. Prepare your harvester for unloading by unfolding the pipe. अच्छा मेरे को पाइप को अनफोल्ड करना है। ओके मैं समझ गया मुझे क्या करना है। ये इस पाइप से भाई वीट निकलेगा, तो पहले मैंने काम कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं। ओके ये भाई यहाँ से वीट निकलने वाला है। ओके 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 ठीक है। उससे पहले ना मैं इस मशीन को भाई बंद कर दूँ, बहुत ही आवाज़ आ रहा है। चलो ओके अब चलते भाई वो ट्रेलर लेकर आने के लिए। ओके ये भाई अपना एक और ट्रैक्टर है, और इसके पीछे लगा है ट्रेलर। अभी इसको लेकर चलना भाई अपने को ना उस खेत में, और जो भाई पीछे लगा ना ट्रेलर, इसमें भाई मैं सारा गेहूँ लोड करने वाला हूँ। चलो भाई आगे से मैं लेफ्ट मारूंगा, आगे से मैं यहाँ से टर्न मारने वाला हूँ। ओके आराम से भाई, मेरे को ना बहुत ही आराम से चलाना होगा, मैं बस मेरे को ठोकना नहीं है, क्योंकि डैमेज किया तो फिर भाई इसमें बाद में कोई रिपेयर करना पड़ेगा। चलो इसको मैं यहाँ पर खड़ी कर दिया। ओके एम्प्टी द टैंक ऑफ योर हार्वेस्टर, पुल अलोंग टू इट ऑन द ड्राइवर साइड ऑफ द हार्वेस्टर। द ट्रेलर इज इन द करेक्ट पोजीशन डायरेक्टली बिलो द पाइप, द हार्वेस्टर विल स्टार्ट टू अनलोड ऑटोमेटिकली। अच्छा ऑटोमेटिकली भाई अनलोड होगा। वेट इट आउट अंटिल इट्स अनलोडेड। अच्छा ये अगर मैं भाई एकदम सही पोजीशन पे खड़ा करूँगा तो ये भाई अपने आप ही यहाँ पर देख रहे हो लोड हो रहा है, जो सारा गेहूँ भाई मेरे ट्रॉली में आ रहा है। Well done, okay. You can either store the crop in your silo or you can sell it. This load I promised to a vendor friend of mine. He's already waiting for you. So all you gotta do is drive the tractor with the trailer to his unloading station. Okay. Now drive to the grain elevator to sell the wheat. Okay. तो अभी ना मेरे को इसको लोड करने के लिए जाना पड़ेगा स्टेशन पे। ओके
तो भाई यहाँ से कुछ 1000 मीटर है, तो फटाफट चलते हैं और देखते हैं भाई इस ट्रैक्टर की स्पीड कितनी है। 37। ओके अब भाई एकदम मतलब हाईवे रोड पे भगाएंगे तब देखते हैं कितनी स्पीड है। पीट 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 सबसे पहले भाई मैं मैप चेक करूँ मेरे को जाना किस रास्ते से है, नहीं तो फिर भाई कहीं और पहुँच जाऊँगा। ओके मैं हूँ यहाँ पर, मेरे को ना आगे से राइट मारना है, उसके बाद 2 छोड़ के वापस से राइट मारना है। ओके ठीक है ठीक है, आराम से यहाँ से ना मेरे को राइट मार रहे हैं। चलो भाई फुल स्पीड 40 है, क्या बात है भाई। पीछे मैंने यहाँ पर भाई सामान भी लोड करके रखा है इसलिए शायद से 40 स्पीड होगा, क्या पता इससे भी ज़्यादा स्पीड हुआ तो। ठीक है आते समय भी देख लेंगे, यहाँ से मेरे को लेफ्ट लेना है। ओके यहाँ से भाई आराम से, दिस इज वन ऑफ मेनी सम पॉइंट्स। इफ यू डोंट लाइक द प्राइसेस यू गेट ऑन द मार्केट, यू कैन आल्सो स्टोर द ग्रेन इन योर फार्म साइलो टू वेट इट आउट, सेल योर गुड्स लेटर। ओके नाउ लेट्स गेट टू इट, ड्राइव द ट्रेलर ओवर द टिप एरिया एंड अनलोड। अच्छा मेरे को ना आगे जाकर भाई एकदम प्रॉपर सही जगह पर खड़ा करना है, तब ये इसको लोड करना है बस। ओके तो मेरे को यहाँ से भाई इसको उठाना पड़ेगा ट्रॉली को, ट्रेलर को, जो भी सारा जो भाई गेहूँ है वो ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा। Well done. Okay. At some point, you'll do this in your sleep. Now, let's go back to the farm, shall we? Okay, तो अभी मेरे को वापस से भाई जाना है फार्म पे, और मैंने भाई 2300 का सेल किया है, क्या बात है भाई इतने पैसे आ चुके हैं। मतलब सोचो भाई फार्मिंग बहुत पैसे होते हैं लेकिन उतना मेहनत भी करना पड़ता है, तो भाई मेहनत करेंगे और अपने बिजनेस को टॉप लेवल तक लेकर जाएंगे। ओके तो अभी फिलहाल अपने को जाना है अपने वापस से फार्म, लेट्स गो फटाफट चलते हैं। ओके इसको ना यहाँ पर मुझे बस खड़ा करना है, चलो। ओके अच्छा व्हीकल से लीव होना है। ओके तो भाई अपना दबंग कैरेक्टर आ चुका है और अभी मेरे को जाकर मिलना है दादाजी से। हेलो दादाजी। ओके यू आर बैक, स्प्लेंडेड। आई स्टार्टेड वंडरिंग इफ यू जॉइंड योर फादर। ओके नाइस नाइस, वेयर वर वी? राइट, यू हैव सीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑन द फील्ड। नाउ देयर इज ऑलवेज मोर टू डू, लाइक यील्ड इंप्रूवमेंट, लाइमिंग, फर्टिलाइजिंग, वीडिंग। Those require special equipment. अच्छा मेरे को भाई इंप्रूवमेंट का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। I'll just leave you to it so you can try out a few things. You don't want your old grandpa meddling with your business all the time, do you? But I'll be here if you need anything. Okay. If you want more detailed info, you can also ask Ben. He has been one of my most trusted helpers in the past. Okay, he will okay, gladly okay. explain a lot of farming techniques. Now, get to farming. Dung heap indeed. You'll do just fine. This farm is your farm. Those farm now. तो अब से भाई ये अपना फार्म हो चुका है, जो भाई ट्यूटोरियल था वो कंप्लीट हो चुका है, तो हमने भाई दादाजी से बात कर ली है। तो अब ये जो भाई बिजनेस है फार्मिंग, ये हमारा बिजनेस हो चुका है, तो अपने बिजनेस को भाई एकदम टॉप लेवल तक लेकर जाना है, और दादाजी का भाई जो नाम है ना वो नीचे नहीं डुवाना है, क्योंकि भाई दादाजी का नाम यहाँ पर बहुत है, तो मुझे ना अपने भाई बिजनेस एकदम टॉप लेवल तक पहुँचाना होगा। तो चलो गाइज आज के लिए बस इतना ही, तो आपको ये गेम कैसा लगा फटाफट कमेंट करो, अगर आप हमारे चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।